guys, welcome back to my YouTube channel with a new interesting video. I hope all are you good and I am also good. So guys, आज का ब्लॉग बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं लुगु बुरु घंटावाड़ी के बारे में, जो कि संथाली कम्युनिटी का एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थल होता है। और हाँ, मैं भी उसी कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ। और इन लोगों का मानना है कि जीवन में एक बार तो हमें ज़रूर जाना चाहिए, और यह केवल साल में एक बार ही नवंबर के महीने में होता है। और यहाँ काफ़ी दूर से लोग आते हैं। माना जाता है कि यहाँ सात पहाड़ों को पार करके ऊपर में लुगु बाबा और लुगु आयो का पूजा किया जाता है। हेलो गाइस, हम लोग यहाँ रेडी हो रहे थे लुगु बुरु जाने के लिए, और मैं तो बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टेड थी जाने के लिए क्योंकि मैं फर्स्ट बार जा रही थी और यह मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। काफ़ी बार मैंने लुगु बुरु के बारे में सुना था। तो चलिए ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं और आप लोगों से शेयर करते हैं मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस। और यहाँ हमने थोड़ा सा कैश निकाल लिया क्योंकि इतना दूर जाने के लिए हाथ में पैसा होना तो ज़रूरी है। और थोड़ा दूर ही रुक के हमने पेट्रोल भी भरवा लिया क्योंकि आगे कोई दिक्कत ना हो। फिर हम चल पड़े अपने सफ़र पर। फाइनली लॉन्ग सफ़र करने के बाद हम पहुँच गए थे। भीड़ इतना ज़्यादा था कि मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि हम जैसे तैसे करके पहुंच ही गए। और हम लोग आ गए थे यहाँ फ्रेश होने के लिए, जो कि वहाँ और भी लोग आए हुए थे। और ये जो घर जैसा था वो तीर्थ यात्रियों के लिए ही स्पेशल बनाया गया था। चले जाते हैं छत पर और थोड़ा रेडी हो जाते हैं। और फिर हम निकल पड़ते हैं मेला की ओर, जो कि काफी ज्यादा भीड़ था। हालांकि हम दूसरे दिन गए थे तो हमें पहाड़ चढ़ने का मौका नहीं मिला। अगर हम पहला दिन आते तो पहाड़ हम ज़रूर चढ़ते। और यह मेला बहुत बड़ा लगता है। यहाँ खाने पीने के साथ साथ ट्रेडिशनल साड़ी, धोती और भी बहुत कुछ देखने को मिला, और साथ ही फ्लूट, तीर धनुष और भी बहुत कुछ देखने को मिला। और यहाँ मुझे पसंद आ गए थे ये छोटे छोटे फूल, और इन्हें देखकर मुझे लेने का मन कर गया। इनको देखकर तो मुझे यह सीखने का मन कर रहा था, काश मैं भी बजा पाती। और काफी घूमते घूमते फिर हमें बहुत जोरों की भूख लगी। फिर हम चले गए चावल खाने के लिए, जो कि 50 रुपया में मिल रहा था। 50 रुपया में पूरा भर पेट खाना मिल रहा था और हमने पेट भर के खाना खाया। झूला वगैरह भी बहुत सारा था और मुझे भी झूला झूलने का मन कर रहा था, पर हम लोगों ने अभी तुरंत ही इतना खाना खाया कि हम लोग का पेट पूरा फुल था, इसीलिए हम लोग झूला में नहीं बैठ पाए। और हम चले आए झरने के पास, जिसे सीतरनाला झरना के नाम से भी जाना जाता है। और इस झरने के पानी को बहुत ज्यादा ही पवित्र माना जाता है। हम लोगों ने काफी ज्यादा फोटो वगैरह, वीडियो वगैरह भी शूट किया यहाँ पे, और यह झरना काफी ज्यादा सुंदर भी लग रहा था।